नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जो ये अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह रीट लेवल 2 संबंधित जो आपको डॉक्यूमेंट इसमें सबसे आवश्यक है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आप मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो एक पेज ले लीजिए और उसमें आप नोट कर लीजिए और ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। ये रीट लेवल की जो 2 की प्रक्रिया ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है और इसका लास्ट डेट का आप इंतजार मत कीजिए और जल्दी जल्दी ये डॉक्यूमेंट है इसको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको जो बता दूँ कि सबसे पहला जो इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है मूल आवेदन पत्र, आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरा जो है घोषणा पत्र और तीसरा है शपथ पत्र। घोषणा पत्र और शपथ पत्र दोनों ही आपको आवश्यक है इसमें। और चौथा जो है वो है 10वीं की जो मार्कशीट है वो होनी आपके पास अनिवार्य। पांचवी जो है डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 12वीं की मार्कशीट, यानी 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है, वो प्रमाणिक प्रति इसकी साथ में होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 6 नंबर पे, तो आपको अपने जो स्नातक BA या BSc की मार्कशीट है जो प्रमाणिक है इसके समकक्ष है वो आपको पेश करना अनिवार्य है। और 7वां नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो BA BSc या इसके समकक्ष उसकी मार्कशीट की प्रमाणिक प्रति होना अनिवार्य है। आपके पास ये 4 तो मार्कशीट चाहिए 10वीं 12वीं BA BSc या इसके समकक्ष और चौथी जो है वह BA BSc या इसके समक्ष मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। और अब 8वां जो डॉक्यूमेंट है वो है यदि आप जनरल को छोड़कर और कैटेगरी से है जैसे OBC ST SC से जनरल छोड़कर किसी भी कैटेगरी से तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना आपके पास अनिवार्य है। 9 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वह शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हो तो आपके पास में विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 10 जो नंबर है वो विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट द्वारा सील मोहर बंद है वो आपको इसमें पेश करना होगा। 11वां जो डॉक्यूमेंट है वो है अगर आप तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र व स्वयं का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, न्यायालय के शपथ पत्र भी साथ में होना अनिवार्य है। और जो 12वां है अब आपको इसमें रखना RTA 2011-12 और RIT 2015-17 इन चारों में से आपके पास कोई एक प्रमाण पत्र में आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये तो था जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, तो ये जल्द से जल्द तैयार करवा लीजिए। आप ये मत सोचिए इसकी लास्ट डेट आएगी उससे पहले करवा लीजिए, जल्द से जल्द तैयार करवा लीजिए वरना आपको बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो ये आपको डॉक्यूमेंट है ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस ज़रूर कर लेना, जैसे ही हम इसमें RIT Level 2 से संबंधित कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।